ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड बाय गॉड्स ग्रेस फर्स्ट सीजन बहुत फेमस रहा, लोगों को बहुत पसंद आया, नॉट जस्ट इंडिया, नॉट जस्ट गुजरात, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल सब बहुत खुश हुए हैं इस सीरीज़ से और बहुत सारी कनेक्शंस, बहुत इमोशंस, सबको बहुत पसंद आया है. और ये जो सेकेंड सीज़न है, हम सब ने वही ट्राई किया है कि उन इमोशंस को और भी जोड़ के रखें और कनेक्ट्स बनाएँ और लोगों को अच्छा लगे. स्टोरी भी इस बार काफ़ी अच्छी है एंड आई रियली रियली होप कि सबको जितना फर्स्ट सीजन अच्छा लगा उससे भी ज़्यादा फर्स्ट सीजन अच्छा लगे. वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड, फिंगर्स क्रॉस्ड. मैं तो आरजे हूँ ही, राइट? तो मैं तो आरजे हूँ उसमें और बहुत प्यारा सा रोल है मेरा, जिसमें मेरा कनेक्शन मेरे मम्मी पापा के साथ और बढ़ गया है और कैसे मेरे मम्मी पापा सब में इन्वॉल्व हुए हैं और मुझे सारी चीज़ों से बचाते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं. और दिस जस्ट वेरी नाइस पावर दैट इज़ बिन शोन ऑन. इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड. थैंक यू, थैंक यू. पहले तो थैंक यू आप सबको कि आप सब यहाँ पे पधारे. और सीज़न वन बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और सीज़न टू के लिए बहुत सब लोग एक्साइटेड है. सीज़न वन की सक्सेस को देख के वी आर एक्सपेक्टिंग कि सीज़न टू को भी लोग इतना ही प्यार दें. बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि सीज़न वन को इतनी सक्सेस मिलती है और वही हमारी जो वेब सीरीज़ होती है उसकी सीज़न टू आती है, तो डेफिनेटली हम ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं. एक्सक्यूज़ मी, सीज़न वन की इतनी सक्सेस होती है फिर उसके बाद सीज़न टू के लिए डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड और बस मैं चाहूँगी लोग इसे भी बहुत सारा प्यार दें. यस, मैं मेरी डिज़ाइनर दोस्त है दिशा वड़गामा, बहुत बड़ी डिज़ाइनर है एंड शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड. तो ये पूरा उन्होंने स्टाइल किया है, तो आई एम वेयरिंग दिशा वड़गामा, डीवी फैशंस. थैंक यू. ब्लेसिंग, अरे ब्लेसिंग नहीं, अच्छे विशेज. शिमारू पुराना एसोसिएशन है, मम्मी बुद्धिचंद जब भाई को जानती थी, फाउंडर ऑफ शिमारू. और फिर अब धर्मेश जो मेरा
थिएटर का दोस्त है, उसका ये सेकंड सीजन हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आए सभी को बेस्ट विशेस देने। जी हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। शायद आज ना देख पाऊँ लेकिन देखूँगा ज़रूर घर जा कर के। और पहला सीज़न मैंने देखा था और जैसे मैंने कहा धर्मेश अच्छा दोस्त है, हमने साथ में थिएटर में काम किया है और शिमारू के साथ भी पुराना एसोसिएशन रहा है। और मेरी जैसे पहले कहा बेस्ट विशेस टू देम और बहुत बढ़िया हो ये शो। भाई ऐसा है कि जब तक यहाँ है तब तक जितना अच्छा हो सके, जितनी मेहनत से लगन से हो सके वो करने की कोशिश करें। ऊपर वाले पे सब छोड़ा है, सही रास्ता वो ही दिखाएगा, हम खाली मेहनत करते रहे। जब करने का टाइम आएगा सभी को जाना है, चले जाएंगे हाथ जोड़ के। थैंक यू सो मच जी। यमराज कॉलिंग सीजन वन को बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला, बहुत ही ज़बरदस्त मिला, पूरे इंडिया में ही नहीं पर अब्रॉड भी कई कंट्रीज से हमें सराहना मिली, तो बहुत अच्छा लगा। और तब कभी सोचा नहीं था कि सेकंड सीज़न भी करना होगा, पर पब्लिक की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई कि हमने सोचा कि अब सेकंड सीज़न किया जाए। और ऑफ कोर्स जितना अच्छा रिस्पॉन्स होता है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं। तो हमने बहुत मेहनत की है और कोशिश की है कि यमराज कॉलिंग सीज़न टू भी लोगों को उतना ही पसंद आए या शायद थोड़ा ज़्यादा पसंद आए सीज़न वन से। यमराज कॉलिंग ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इमोशनल टाइप का कॉन्सेप्ट है, और हालांकि मैंने ज़्यादातर कॉमिकल पात्र निभाए हैं, कॉमिकल किरदार निभाए हैं, पर यमराज कॉलिंग में मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ अमर मेहता, जो एक सीरियस बंदा है। और ऑफ कोर्स वो फन भी करता है, कॉमेडी भी करता है, पर बहुत गहरी बातें कहता है और एंटरटेनमेंट वे में कहता है। और यमराज कॉलिंग टू में भी हमने यही प्रयास किया है। इसमें हमने छोटे छोटे पर इम्पोर्टेंट ज़िंदगी के कई एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर, मैं आई कैंट लुक इन टू द कैमरा, सॉरी आई कैंट, आई विल लुक अवे, आई कैंट लुक इन टू द कैमरा, ओके जस्ट कम हियर। मैंने इससे पहले कई सारे कॉमेडी कैरेक्टर्स किए हैं,
और यमराज कॉलिंग 2 में मेरा थोड़ा अलग किस्म का किरदार है। अमर मेहता ही है जो प्रोटैगनिस्ट है, पर बहुत गहरी बातें कहता है, छोटी छोटी पर ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट बातें कहता है, पर बहुत ही एंटरटेनमेंट वे में। और मेरे ख्याल से यमराज कॉलिंग 1 को भी इसी वजह से सफलता मिली। एक अलग किस्म का देवेन भोजानी इसमें नज़र आ रहा है जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यमराज कॉलिंग हमारा जो सीरीज़ है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि यमराज जो है वो कॉल करके वार्निंग देते हैं कि भाई संभल जा, पैसे के पीछे इतना भी मत भाग कि फैमिली को ही भूल जा। तो भले ही इंसान भाग दौड़ करता है, फैमिली के लिए करता है, परिवार के लिए करता है, उनके सुख के लिए, उनकी इच्छाएँ पूरी करने के लिए करता है, पर फैमिली है वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं चाहती। उनको इंसान का साथ चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। यही कॉन्सेप्ट को लेकर यमराज कॉलिंग बनाया गया है। और यमराज जो है वो वार्निंग देते हैं कि भाई संभल जा, और भाई मैं तो अमर मेहता बन के संभल गया हूँ। और हमने मैसेज यही देने का प्रयास किया है कि लोग, देखने वाले लोग भी समझ जाएँ। जी हाँ भाई, मेरा तो बॉडी देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं एक्सरसाइज, जिमिंग वगैरह नहीं करता हूँ। हालांकि हेल्दी रहने के लिए करना चाहिए, और मैं हर बार निर्णय लेता हूँ, फैसला लेता हूँ कि अब मैं एक्सरसाइज करूँगा, डाइट करूँगा, पर वो एक दो दिन तक चलता है, फिर मैं वॉक के लिए भी नहीं जा पाता, और डाइटिंग भी 2-4 दिनों में ही बस ख़त्म हो जाती है। पर काफ़ी लोग हैं जो अपनी बॉडी को ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर कभी कभार इसका जब एग्जेजरेशन हो जाता है, जब अति हो जाता है, जिमिंग या कोई भी चीज़ का अगर मात्रा बढ़ जाए, प्रमाण से ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो हानिकारक हो सकता है। और शायद यही वजह रही है कि पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1-2 साल में हमने देखा है कि कई जवान, हट्टे कट्टे नौजवान हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं और जान गंवाई हैं। तो भैया एक्सरसाइज करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करो, यही मेरा कहना है। सीजन 2 के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं धर्मेश मेहता जी को, सभी कलाकारों को। फर्स्ट सीज़न मैं देख चुका हूं और सेकंड सीज़न भी देखने आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितने हमारे फैमिली ऑडियंस है, आप ज़रूर देखिए और एंजॉय कीजिए। आजकल ऐसे प्रोग्राम, ऐसे शोज आने चाहिए जिसमें एक एंटरटेनमेंट है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। अरे भाई, बैग को ट्रैपोर्ट के नीचे रखो ना।
सी सीजन टू आया, इट्स अ हिट फ्रेंचाइजी एंड धर्मेश सर इज डायरेक्टिंग इट एंड ही इज फैब एंड देवेन भाई इज देयर, सो देर इज़ नो डाउट. और मैं तो बोल रहा हूँ ये टू तो अभी है, बट 3, 4, 5 भी आएगा बहुत जल्दी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू यू नो वॉच द सेकेंड सीजन. यू नो देर आर मेनी सीन्स ऑफ यमराज कॉलिंग वन ऑल्सो जो हमको बहुत पसंद आए वो सीन, और वो वायरल भी हुए हैं. इट्स अबाउट अ वेरी कॉमन फैमिली एंड हाउ यू नो सो मेनी पीपल रिलेट टू इट. सो ऑल माई विशेज टू द टीम एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सीजन टू. अरे ना, मेरे को कभी कॉल ना करे, मैं तो सोच रहा हूँ. नहीं, मेरे को नहीं चाहिए यार. मैं क्यों, आई डोंट वांट यमराज कॉलिंग मी एवर. यार अभी वो ऐसा वाला है दैट इट्स लाइक यू नो वो पढ़ के, ऐसी खबर पढ़ के थोड़ा आप कितने भी अच्छे मूड में होते हो यू फील इट लो, एंड स्पेशली व्हेन आपने उनको देखा है, वो एक्टर्स के साथ बात की है, सो वो थोड़ा ज़्यादा ही होता है. आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग बट आई जस्ट विश यू नो दैट गॉड गिव्स स्ट्रेंथ टू हिज फैमिली एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग. इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग. यार देखो ये तो है ही, लाइक ये एक्टर की वो बैक जो बिहाइंड द सीन जो चलती रहती है प्रेप, वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती है, बट वी गो थ्रू अ लॉट टू बिकम अ कैरेक्टर विच यू सी ऑन स्क्रीन. तो बहुत मेहनत जाती है, तो वो पीछे जो स्ट्रेस चलता रहता है, आई एम अ गुज्जू, तो मेरे लिए सबसे पहला है कि खाना छोड़ो, हेल्दी खाओ, मतलब हेल्दी तो सबको ही खाना चाहिए, बट यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट, आप जिम जाओ. अब इसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ योर यू नो विच इज़ योर प्रोफेशन रिक्वायर्स. सो आप स्ट्रेस कितना भी बोल लो ना आप कि नहीं लेना है नहीं लेना है, बट वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है. सो आई थिंक यू हैव टू डील विथ इट ऑन योर ओन ओनली. ओके थैंक यू. अरे यार तू बूम पकड़ रहा है उसका, मेरा